MM5 News, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलाम वालेकुम, MM5 News के साथ मैं हूँ सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। जुडिशियल कमीशन के लिए पार्लियामेंटेरियंस के नाम सुप्रीम कोर्ट को हर साल चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा केलानी ने आइन के आर्टिकल 175 के तहत कायदे वन सेनेटर एसआर डार और कायदे हिजब अख्तलाफ सेनेटर शिब्बी फराज की एडवाइस पर जुडिशियल कमीशन के लिए हुकूमती और अपोजिशन बेंचों के लिए सेनेटर फारूक एच नाइक और शिब्बी फराज की नामजदगियों को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हर साल करने की हिदायत कर दी। पंजाब में फिजाई आलूदगी के डेरे हर मंजर धुंधला गया। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर, शहर लाहौर में स्मोक की औसत शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। शहर लाहौर का मजमुई एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज कर गया। डिफेंस DHA के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1853, लिबर्टी चौक में 1208 तक जा पहुँचा। स्मोक का राज, भारतीय फिजाई आलूदगी के असरात लाहौर पर आ रहे हैं। अजमा बुखारी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर अजमा बुखारी का कहना था कि भारत फिजाई आलूदगी को इस तरह कंट्रोल नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। हम फिजाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। मरियम नवाज जल्द भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखेंगी। इलेक्शन PTI की मर्जी से नहीं, आईन के मुताबिक होंगे। तलाल चौधरी फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। KP में कोई सोलर और ट्रैक्टर स्कीम नहीं है। वज़ीर आला पंजाब सूबे में इंकलाबी इकदाम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा अपनी ट्रांसमिशन लाइन बिछाने वाला पहला सूबा बन गया। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि ट्रांसमिशन लाइन के जरिए सनअतों को इंतहाई सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। पहले मरहले में सवात मुल्तान से मदीन तक 40 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। पहले मरहले की तकमील से सूबे को सालाना 7 अरब रुपये आमदन होगा। DPO साहिवाल फैसल शहजाद की चीचा वतनी प्रेस क्लब आमद पर उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। फूलों का गुलदस्ता और गुलपाशी की गई। हानिया आमिर live on MM5 TV and AAR Digital News. First show is going to be held in Swagat Banquet Hall, Mississauga on 8th of November 2024. Second show, 9th of November in Polish Banquet Hall, Burlington. And third show in Grand Cinnamon Banquet Hall, Toronto. For tickets, sponsors and more info, contact Mr. and Mrs. Ashrafen Iftikhar Khan. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. Hazre khidmat hai Badshah Grill. 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W4K2. Contact 905-625-6673. This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale, sale, sale! Wow, what's on sale? Everything! The Johara Market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر مرة ما شاء الله كل شيء تمام حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Lahari Flames.
न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय नूरा केक्स एंड स्वीट्स। कम 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 टू नूरा केक्स। Our taste is the best in Mississauga. Nura Cake is the best. We're in Richmond Plaza in Nura Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि जुडिशियल कमीशन के लिए पार्लियामेंटेरियंस के नाम अरसाल कर दिए गए हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने आइन के आर्टिकल 175 के तहत कायदे अवान सेनेटर इसहाक डार और कायदे हिजब इख्तलाफ सेनेटर शिबली फराज की एडवाइस पर जुडिशियल कमीशन के लिए हुकूमती और अपोजिशन बेंचों से सेनेटर फारूक इश्नाइक और शिबली फराज की नामजदगी को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अरसाल करने की हिदायत कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में हिंदू खानदान दोरों से मुसलसल दिवाली मना रहे हैं और ये लोग दिवाली मनाने दुबई आए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं दुबई से फहद अब्बासी। जी फहद अब्बासी, जैसे कि आज मैं मौजूद हूँ दुबई में जो कि यूएई की रियासत है। आज यहाँ पे जो है कि दिवाली का बड़ा जोरों शोर से जश्न मनाया जा रहा है। पूरे सारी सातों रियासतों से लोग आए हुए हैं और एक बड़ी जश्न की तकरीब हो चुकी है। तो आते हैं लोगों से उनके रिव्यूज जानने के लिए। कैसा लग रहा है आज जो है कि यूएई में एक बड़ा जश्न मनाया जा रहा है दिवाली का? जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। दिवाली बहुत जोरों शोरों से, आप देख सकते हैं बहुत लाइट भी है यहाँ पे और सब लोग बहुत अच्छे से बहुत खुशी से मना रहे हैं दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल द व्यूअर्स। सॉरी, हाँ तो बताएं आपसे मैं ये पूछूंगा कि आज जो है कि ये यूएई में कौन सी वाली आपकी दिवाली है, कब से आप मना रहे हैं? दिवाली तो वैसे तो मंडे से शुरू होती है, लेकिन कल जो मेन पूजा होती है दीपावली की, लक्ष्मी पूजन वो कल और आज भी लोग मना रहे हैं। जैसे कि दिवाली को हम सिंधी कहते हैं दिवाली, कहीं पे दीपावली कहते हैं, आप क्या कहते हैं? दीपावली करेक्ट, वही शब्द करेक्ट है, लेकिन दीपावली का होते होते दिवाली हो गया और अभी सभी लोग दिवाली बोलते हैं तो हम भी वही यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग? कैसा फील हो रहा है आप जो है कि अपने जो है कि आप कहाँ से? वैसे मुझे ये बताएं पहले। मैं तो पाकिस्तान से हूँ और तो अबू धाबी से आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट करते कैसे आपको फील हो रहा है? तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कल हमने न्यूज़ में देखा था कराची में भी बहुत अच्छी दिवाली मनाई गई, आज दुबई के अंदर भी बहुत अच्छी है दिवाली का एहतमाम हुआ है। हमें तो बहुत खुशी हुई है और आपका शुक्रिया अदा करते हैं चैनल का भी और आपका भी और आप तमाम टीम को हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस टुडेज एनवायरनमेंट इन दिस इवनिंग? बिकॉज़ इट्स अ आई थिंक इट्स अ यूएई गवर्नमेंट अलॉट टू सेलिब्रेट। हाउ डू यू फील? रियली वेरी गुड दैट यूएई गवर्नमेंट इज कोऑपरेटिंग विद अस एंड दे आर लेटिंग अस सेलिब्रेट दिवाली इन ग्रैंड वे एंड इट्स रियली वेरी नाइस टू सेलिब्रेट हियर। यू आर हिंदी राइट? सो कौन कौन से आपने पटाखे लिए, क्या क्या लिया है? हमने अनार, चक्री, पेंसिल, फुलझड़ी, बच्चों के लिए छोटे पॉपअप वगैरह। सऊदी अरब की दारुलकूमत और रियाज में रियाज सीजन 2024 सऊदी वजारत इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम हम आहंगी के स्लोगन के साथ पाकिस्तानी सकाफती हफ्ते के तीसरे रोज भी तफरीही सरगर्मियां अपने अरूज पर रहीं, जिसमें मारूफ गुलकार आसिम अजहर ने अपने गानों से नौजवानों को गरमाया और भंगड़ा डालने पर मजबूर कर दिया। रियाज सीजन अलसवीदी पार्क में पाकिस्तानी वीक के तीसरे रोज भी सकाफती सरगर्मियाँ अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी रही, जिसमें पाकिस्तान के मारूफ सिंगर आसिम अजहर ने अपनी भरपूर परफॉर्मेंस के जलवे दिखाए। इस मौके पर आसिम अजहर का कहना था कि रियाज में पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की कम्युनिटी की इतनी बड़ी तादाद के सामने परफॉर्मेंस दिखाकर खुशी होती है। अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत पुरजोश हूँ। आर्ट, मौसीकी, कल्चर और सकाफत कम्युनिटीज को आपस में जोड़ते हैं। आसिम अजहर ने मजीद कहा कि ऐसे प्रोग्राम पाकिस्तान के वकार को उजागर करने के लिए इंतहाई अहम है, जिससे दयार खैर में बसने वाले तारकिन वतन की तफरी का अहम जरिया है। फेस्टिवल में पाकिस्तानी पेंटिंग्स और दीगर सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए, जिसको हाजरीन ने बेहद पसंद किया। लोरालाई चौथा ऑल बलोचिस्तान शोहदाए एफसी फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 के सिलसिले में आज एक शानदार फुटबॉल मैच बादशाह खान क्लब लोरालाई और हेवाद क्लब संजावी के दरमियान खेला गया। बादशाह खान क्लब ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 2 गोल से मैच अपने नाम कर लिया और शानदार फाइनल मैच के चीफ गेस्ट लोरालाई स्काउट्स ब्रिगेडियर नवीद अवान थे। फाइनल मैच देखने के लिए जिला भर से शायकीन की बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद थी। लोरालाई चौथा ऑल बलोचिस्तान शोहदाए एफसी फुटबॉल टूर्नामेंट 2024
के सिलसिले में आज एक शानदार पैनल मैच बादशाह खान फुटबॉल क्लब लोरलाई और हेवात क्लब संजावी के दरमियान खेला गया। बादशाह खान फुटबॉल क्लब ने शानदार खेल का मजाहरा करते हुए 2 गोल से मैच अपने नाम कर लिया। इस शानदार पैनल मैच के चीफ गेस्ट लोरलाई स्काउट्स कमांडर ब्रिगेडियर नवीद कल्ब आबाज थे। फाइनल मैच देखने के लिए जिला भर से शायकीन की बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद थे। चीफ गेस्ट ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से तारुफी मुलाकात की। टूर्नामेंट कमेटी की जानिब से मेहमान खास को रवायती पगड़ी भी पहनाई गई। चीफ गेस्ट ने विनर टीम को 1 लाख जबकि रिनर टीम को 50,000 और दोनों टीमों को ट्रॉफी से नवाजा। टूर्नामेंट कमेटी की जानिब से ब्रिगेडियर नवीद कल्ब आबाज और दीगर मेहमानों में शील्ड तकसीम किए। बलूचिस्तान के और ख़ास तौर पर लोरलाई के जो खेलों के मैदान हैं वो आबाद रहें और जो हमारी जवान नस्ल है वो इस तरफ तवज्जो दे बजाय इसके कि अपना टाइम दूसरी सरगर्मियों में ज़ाया करें। तो ये एक इनिशिएटिव है, हमारी उम्मीद है कि इसको लोगों ने सराहा है और इंशाल्लाह हम मुस्तकबिल में भी इसको जारी रखेंगे और हमारा इरादा ये है कि इसके स्केल को हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएँगे। ये ऑल बलूचिस्तान करवाया है, इसके बाद हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह ऑल पाकिस्तान की तरफ भी हम जाएँगे। एफसी बलूचिस्तान एक तरफ जहाँ इलाके में अमन अमान कायम करने में किरदार अदा कर रही है तो वहीं नौजवानों को शानदार माहौल मुहैया करके खेलों के टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं ताकि नौजवान मनफी सरगर्मियों में मुलविस होने के बजाय सेहतमंद सरगर्मियों में। न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही, मजीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5 TV.com। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।